आया रे, फिर वही मौसम झूमता मौसम आया है। चमका रे फिर वही तारा पूरब में चमका है। आया बड़े दिन का संदेश ठंडी ठंडी चलती हवा। जागो ऐ सोने वालों, प्रभु येसु है जन्मा। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल निर्मला कॉलेज रांची, डॉक्टर सिस्टर ज्योति, रेस्पेक्टेड जीबी सेक्रेटरी एंड सुपीरियर निर्मला कॉलेज सिस्टर लिडविन मेरी, रेस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल सिस्टर शोभा, रेस्पेक्टेड सीनियर्स, डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म एंड ब्लेस्ड गुड मॉर्निंग। आज मैं संपूर्ण निर्मला महाविद्यालय परिवार का इस ऑनलाइन क्रिसमस मिलन समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्रिसमस बड़ा दिन एक राजा के जन्म का त्योहार है। वह राजा जिसका सोने का राजदंड है, किंतु उसने गौशाले में एक गरीब घर में जन्म लिया। वह राजा जो ईश्वर का बेटा है और जिसे लोमान की भेंट चढ़ाई गई। वह राजा जिसने मानव जाति के प्रेम में क्रूस पर अपनी बाहें पसारी। आज हम उसी बालक राजा के जन्म पर्व की खुशियां मनाते हैं जिसने मनुष्य जाति को शांति, प्रेम और खुशियों का संदेश दिया। यहाँ है हमारे बालक राजा के जन्म को दर्शाती सुंदर जीवंत चरणी। आइए इस चरणी के वजूद की कहानी देखते हैं। इस पुराने वीडियो में, वीडियो भले ही पुराना हो परंतु बड़े जीवंत रूप से, बड़ी सूक्ष्मता से यह प्रभु येसु के जन्म की कहानी कहती है। इसमें साथ ही हमारे प्रिय छात्राओं की प्रतिभा की सुगंध भी है। आइए देखते हैं उन छात्राओं द्वारा अभिनीत यह सुंदर वीडियो जिन्हें हम बड़े मिस करते हैं। स्वर्ग क्या है? ईश्वर की ओर से इस नगर में कुमारी मरियम के पास भेजा गया। वही मरियम जिसकी मगनी दाऊद के घराने की यूसुफ से हुई थी। इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है? मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती हैं, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह कैसे हो सकता है? मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी इलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उनका जो पांच कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। धन्य है और धन्य है आपके घर का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे
छह महीने तक एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम वापस लौट गई। उसे त्याग देने की सोची। तब यूसुफ ने स्वप्न में स्वर्गदूत को कहते सुना, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से ना डरे, क्योंकि उनके घर में जो है वह पवित्र आत्मा से है, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा।
To share the Christmas message and to bless us all on this occasion. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Respected Sister Lidwin Mary, Secretary GB and Superior Nirmala College, Ranchi, Vice Principal Sister Shobha, respected HODs of various departments, esteemed faculty members, non-teaching staff, dear parents and my dear students, a very warm and blessed good morning. Greetings of joy to one and all. Rightly we have begun our day of Christmas celebration by lighting the candle symbolizing hope, love, joy and peace. Indeed, Christmas is a time of celebration of hope, love, joy and peace, and share the same among the people of goodwill. With immense pride, I dare to say that we Nirmalites are the people of goodwill, whose motto is Cor Unum Anima Una, means one heart, one mind. We Nirmalites adhere to our motto in all that we do or say. And today also, keeping this in mind, we join together through this platform celebrating this great festival of oneness and harmony with one heart, one mind, one soul, and share our joy together. Today, it is also a last working day of the year 2020. Let's thank God for all His blessings, all His showers of blessing throughout the year 2020, giving us His countless blessings, success, achievements, and good results. Above all, for protecting us from COVID-19 pandemic. I am confident to say that it was a grace-filled 2020. And now I pray to the Almighty to shower His choicest blessings in the coming year too. May each day, each moment bring His blessings and ignite hope of tomorrow in the coming year 2021.
may we experience His care and protection every moment of our life. May the spirit of Christmas bring you peace. May the gladness of Christmas give you hope. May the warmth of Christmas grant you love. Wish you all a very happy Christmas and a happy New Year. आप सबों को क्रिसमस एवं नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं. ईश्वर आप सबको आशीष दे. थैंक यू. और अब समय है क्रिसमस कैरल्स के साथ झूमने का, क्योंकि ये मौसम है, ये त्योहार है खुशियों का, प्रेम का और शांति का.